आज तक आपने चाइना को अपने सस्ते प्रोडक्ट्स, पूरे वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब, या फिर अमेरिका रशिया के बाद उभरता हुआ सुपर पावर के लिए ही जाना होगा। लेकिन इतिहास पर नजर डाले तो पाएंगे कि दुनिया में समय समय पर महामारियां फैलती रही हैं। इनमें से ज्यादातर महामारियों में एक देश का नाम कॉमन है और वो है चाइना। इसमें चाहे 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग में फैले प्लेग की बात हो, जो चाइना के वुहान शहर से होकर इंडिया समेत पूरे एशिया में फैल गया था। उस टाइम के ब्रिटिश रूल इंडिया समेत पूरी दुनिया में 10 करोड़ लोगों की जान का कारण बन गया था। या फिर हो बात एशियन फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, H1N1, SARS और अब कोरोना वायरस की। सारे के सारे वायरस चाइना से ही फैले हैं। अब ये सोच के दिमाग में सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा चाइना में क्या है, जो भी बीमारी चाइना ने फैलाई उसका कोई इलाज नहीं मिलता। इसी बात की तह तक जाकर आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों दुनिया में तबाही मचाने वाली ढेरों महामारियां चीन से ही पैदा होती हैं, और आखिर क्यों चाइना की ताकतवर सरकार इनको पैदा होने से रोकने में असमर्थ है। आप सब बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। आप सभी भली भांति जानते होंगे कि चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। चाइना के एक शहर वुहान में कोरोना वायरस नाम का रहस्यमय डेडली वायरस फैल गया है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ये वायरस वाइल्ड एनिमल से ह्यूमन में आया है। अभी तक यही पता चल पाया है कि ये चमगादड़ या फिर सांप जैसे जंगली जानवरों को खाने से इंसानों में आया। लेकिन इतना पक्का है कि यह बीमारी इंसानी बीमारी नहीं है और अब ये कॉन्टेजियस डिजीज की तरह ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। ये जानवरों की बीमारी है जो इंसानों में फैल गई है और इसीलिए इंसानों के पास फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारियां ज्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, ना कोई रिसर्च, ना कोई हिस्ट्री, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई वैक्सीन और ना ही कोई दवाइयाँ। इंसानों की खतरनाक से खतरनाक बीमारी का इलाज करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक हैं, स्टीरॉयड्स हैं, स्टेम सेल थेरेपी हैं और दूसरे बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। लेकिन जब जानवरों की बीमारी इंसानों के शरीर में आ जाती है तो उनके वायरस नई ह्यूमन बॉडी के न्यू एनवायरनमेंट में एकदम अलग ढंग से बिहेव करने लगते हैं। बहुत से मौकों पे वो इंसानी बीमारी के साथ मिलकर एक नई ही किस्म की बीमारी को जन्म दे देते हैं। इन हालात में ये वायरस करीब करीब लाइलाज हो जाते हैं। जब तक उनका कोई इलाज निकलता है तब तक कई महीने या फिर साल बीत चुके होते हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी होती है। अफसोस की बात है कि यही हाल आजकल हमें कोरोना वायरस की वजह से देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, चाइना ही क्यों? ऐसा क्या अलग है चीनी लोगों में या फिर चीनी जानवरों में जिससे अनक्यूरेबल डिजीजेस फैल जाती हैं? जैसा मैंने बताया, 1985 का प्लेग भी चाइना से ही फैलना शुरू हुआ जिसमें 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मर गए थे। 1957 में आए एशियन फ्लू जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, वो भी चीन से ही निकला। वहीं 2002-2003 में जब सार्स का प्रकोप फैला, वो भी चाइना से ही था। H1N1 स्वाइन फ्लू के बारे में आप जानते ही हैं कहां से आया, बट मेन क्वेश्चन अभी यही बना हुआ है कि चाइना ही क्यों जड़ है इन सभी महामारियों की। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के रिसर्च एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे कई कारण सामने आए हैं। सबसे प्रमुख कारण चाइनीज लोगों का वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि चमगादड़, सांप, मेंढक और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। अब सवाल उठता है, ये सब तो साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम हो गया, थाईलैंड, हांगकांग जैसे देशों में भी खाया जाता है, चीन ही क्यों? चीन के लोगों के खाने में फर्क ये है कि ये लोग कच्चा खाते हैं। अगर उसको पका के खाया होता तो उसको पकाने से उसका वायरस मर जाता और ये वायरस इंसानों में नहीं आता। और ऐसा कई बार सरकार की लापरवाही के कारण भी वायरस ज्यादा फैल जाता है।
कोरोना वायरस के मामले में भी यही देखा गया। चाइना के हीरो डॉक्टर ली वैंग लियान ने अक्टूबर में ही बता दिया था कि सार्स की फैमिली से मिलता जुलता वायरस इंसान के शरीर तक पहुंच चुका है, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने पूरे विश्व के सामने अपने देश की छवि बिगड़ने के डर से उस डॉक्टर की वार्निंग को अनदेखा कर दिया और लापरवाही का इंतजाम चाइना समेत पूरा विश्व भुगत रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर सरकार पहले सतर्क हो, जरूरी एहतियात कदम उठाए, चिकित्सा की अच्छी सुविधा मुहैया करवाए, तब भी हालत बेहतर हो सकती है। चाइना अपने ईगो का इशू ना बनाए और समय रहते WHO समेत दुनिया के सामने सिचुएशन से लड़ने में साथ देने का आग्रह करे तो ऐसी महामारी से बचा जा सकता है। चीनी सरकार अगर सारी बात बताए, अपने लोगों को जागरूक करे, तब भी स्थितियां बदल सकती हैं। हालांकि चीनी सरकार से ये थोड़ी ज्यादा उम्मीद हो जाएगी, क्योंकि चीनी सरकार इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं बल्कि छिपाने के लिए ज्यादा जानी जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हालत और भी नाजुक हो जाती है। किसी भी देश के नागरिक ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्या भारत तैयार है ऐसी आपदा से निपटने के लिए? आइए प्रार्थना करें चाइना की ये गलतियां पूरी दुनिया को ना ले डूबे। इसमें आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर, ताकि कम से कम हम भारतवासी ऐसी महामारी से निपटने के लिए तैयार रहें। आपकी नज़र में कुछ ऐसा आइडिया या कुछ पॉइंट हो जो भारत सरकार को करना चाहिए, जो कारगर साबित हो सकता है, अपने विचार नीचे कमेंट करके हम सबके साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।